प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 17 से 21 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगी और न विलाप। वहाँ ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, जो उस उम्र तक नहीं पहुँचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे, वे दाखबारियाँ लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु समरिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में ईश्वर यरूशलेम तथा उसकी प्रजा की सभी पुरानी बातें, उनके दोष अवगुण तथा पाप भुला देने तथा सारी सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास भरने तथा प्रदान करने की बात को लेकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं। आज के सुसमाचार में विश्वास की अद्भुत शक्ति का सुंदर वर्णन है। लोगों के विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए गलीलिया के काना नगर तथा काफरनहूम में घटना को अंजाम देते हैं। काना नगर में यीशु पानी को उत्तम दाखरस में परिणत कर लोगों को चकित कर देते हैं। फिर कफरनहूम के पदाधिकारी के बीमार पुत्र को, जो मरने पर था, चंगाई प्रदान कर सारे परिवार को विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिंदगी के सफर में नैतिक तथा मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति मन में अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, आदमी नहीं चलता पर उसका विश्वास आगे आगे चलता है। महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। यीशु ने कहा, चाहिए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। यीशु के इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि आदमी नहीं चलता वरन उसका विश्वास आगे आगे चलता है। आज कफरनहूम के पदाधिकारी के बीमार पुत्र को चंगाई प्रदान करने का तरीका दूसरे स्थानों में चंगाई प्रदान करने के तरीके से बिल्कुल भिन्न है। अन्य स्थानों में स्वयं यीशु अपनी उपस्थिति तथा अपने पावन स्पर्श से बीमारों रोगियों को चंगाई प्रदान करते हैं। आज यीशु दूर से तथा शब्द मात्र से ही चंगा करके परिवार की सारी खुशियां लौटाते हैं, उन्हें आनंद एवं उल्लास प्रदान करते हैं तथा उनके शोक और चिंता को आनंद में बदल देते हैं। हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बार हम ऐसे ही विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ से
तकलीफ के शिकार हो जाते हैं। ऐसे दुख तकलीफ के समय हताश निराश होकर आपा खो बैठते हैं। चालीसा का समय हमारे हृदय में प्रेम, शांति, आनंद, खुशी, आशा एवं विश्वास को अपने मन तथा हृदय में प्रेम शांति आनंद खुशी आशा एवं विश्वास को अपने मन तथा हृदय में संचार करना है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र, जिसके नाम से तुम्हें जीवन मिले। हाँ, परिपूर्ण जीवन, यही आज के पाठों का सार है। हमारी आँखें प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार देखना चाहती हैं, जबकि यीशु बिना देखे विश्वास करने की चुनौती देते हैं। अधिकारी के अपने घर जाने के लिए अनुनय विनय पर उससे कहा, जाइए, आपका पुत्र जीवित है, और ऐसा ही हुआ। इस चमत्कारिक शक्ति एवं प्रभाव को देखकर अधिकारी के संपूर्ण परिवार ने विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। आज भी प्रभु यीशु हमें चंगाई प्रदान करते हैं, बरसते हम उसके वचनों पर दृढ़ विश्वास करें। जी हाँ, ईश्वर हमसे कितने दूर या पास हैं, यह कोई समस्या नहीं है। उनके शब्द मात्र हमारे लिए पर्याप्त है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने शब्द मात्र से इस संसार की सृष्टि की। उस अधिकारी का पुत्र 20 मील दूर था, फिर भी ख्रिस्त के मात्र शब्द ने उसे अच्छा कर दिया। यहाँ हम 3 बिंदुओं पर गौर करें। पहला, उस अधिकारी ने विश्वास किया। दूसरा, उसने यीशु के कथन अनुसार कार्य किया। तीसरा, वह अधिकारी और उसके पूरे परिवार ने ख्रिस्त पर विश्वास किया। विश्वास एक वरदान है, इसका प्रयोग हम जितना अधिक करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। तो चलिए, इस 40 साल में हम ईश्वर से विश्वास रूपी कृपा मांगें। आमीन।